देश के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई है। तो चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओली और गंगोत्री की, जहां पर चारों तरफ जो है ये बर्फबारी हो रही है। और इससे पहले आपको बता दें, यहां बीच बीच में काफी बार इससे पहले भी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ठंड में भी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड की दूसरी जगहों की बात करें तो इसी तरह का नजारा देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड में बद्रीनाथ के साथ साथ केदारनाथ, गंगोत्री और ओली में भी काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। वहीं इस बर्फबारी की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो एक बार फिर से आपको ये चार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओली और गंगोत्री की तस्वीरें हैं, जहां सुबह ही बर्फबारी से मौसम काफी सुहाना हो गया है। तो देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से मौसम सुहाना हो चुका है। सफेद चादर से ढके पहाड़ नजर आ रहे हैं और चारों तरफ अगर देखा जाए तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर ही नजर आ रही है। हालांकि पर्यटकों में भी काफी खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अक्सर बर्फ पड़ने के बाद पर्यटक भारी संख्या में पहाड़ी इलाकों पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर वहां के लोगों की बात की जाए, स्थानीय लोगों की बात की जाए, तो उन्हें कहीं ना कहीं तमाम परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से तमाम समस्याएं लोगों के लिए खड़ी हो जाती हैं। रास्ते कई जगह के बंद हो जाते हैं और जो मूलभूत सुविधा है वो उन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें ये बहुत खूबसूरत देखने के लिए मिल रही हैं, जिस तरह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओली और गंगोत्री में ये बर्फबारी दिख रही है। तो ऐसे में चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों पर भारत में अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है और मैदानी इलाकों में भी इसके साथ ही ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह से ये उत्तराखंड की चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड में मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है और इस बर्फबारी की वजह से तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे खिले हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पर्यटक अब वहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में लगातार हम आपको ये चार तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर आज सुबह से मौसम जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ओली में काफी सुहाना नजर आ रहा है। और इसी के साथ हमारे संवाददाता पुष्कर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, अगर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो काफी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है, कैसा नजारा भी उत्तराखंड की पहाड़ों पर दिख रहा है? बिल्कुल देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है मौसम अपना करवट बदल रहा था, लेकिन आज की अगर बात करी जाए पारुल, तो सुबह से जो है मौसम साफ है, तथा धूप खिली हुई है। जो ठंड जो है कल, क्योंकि कल जो जिस तरह से मौसम बदला था, ऊंचाई वाले क्षेत्र हमारे, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे आपका हेमकुंड हो, चाहे आपका ओली वाला एरिया हो, या आपका देवास क्षेत्र की अगर बात करूँ तो बेदने वाला इलाका है, यहाँ पर बर्फबारी थी, घाट वाले इलाके में बर्फबारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो अलर्ट था उसका सीधा सीधा असर जो है पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला। अगर जनपद चमोली की मैं बात करूंगा तो लगातार जो है यहाँ पे मौसम ने अपनी करवट बदली थी और बर्फबारी और यहाँ पे जो है ठंड एक बार जो है बढ़ गई थी। लेकिन हाँ, हालांकि जो शीतकालीन जो पर्यटक जो है समय जो उत्तराखंड का दौरा कर रहा है, चाहे वो चमोली हो, चाहे आपका रुद्रप्रयाग वाला एरिया हो, या मसूरी वाला हो, या धनौल्टी हो, या टेहरी हो, या कुमाऊं वाला क्षेत्र हो, तो एक बर्फ गिरना जो है स्वाभाविक है कि लगातार जो है सितंबर पिछले सालों हमने देखा था कि अक्टूबर लास्ट तक जो है बर्फ गिरती थी, लेकिन इस बार जो है दिसंबर माह में जो है बर्फ गिरी है। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है मौसम ने अपना रुख बदला है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसको लेकर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया था। कहीं ना कहीं प्रशासन तो मुस्तैद था ही, लेकिन हालांकि दिक्कत उन लोगों को है जो लोग गाँव की जो सड़कें ब्लॉक हो जाती है, या विद्युत लाइनें यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाती है, या पानी की जो समस्या यहाँ पे नहीं थी, अधिक ठंड होने के कारण नलों में जम जाता है, तो गाँव के लिए दिक्कत है। लेकिन शहरी जो इलाके हैं, अगर जनपद चमोली की मैं बात करूँ तो ओली से लेकर जोशीमठ वाला एरिया में जो है 2 से 3 फीट यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। अगर बद्रीनाथ धाम की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे लगातार जो है सुबह भी बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस समय जो है तदक धूप बिल्कुल पुष्कर देखिए बर्फबारी तो हो रही है, इससे तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही होगी। लेकिन अगर पर्यटकों की बात की जाए तो अक्सर पर्यटक इस मौसम में बर्फबारी का लुफ्त उठाने के लिए पहाड़ों पर पहुंचते हैं, लेकिन देखिए पर्यटकों के हिसाब से तो ये मौसम बहुत अच्छा है और खुशी उन्हें काफी ज्यादा होती है, क्योंकि लोग इंतजार
इंतजार करते हैं कि कब पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और वो घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ के स्थानीय लोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए इस मौसम में समस्याएं ज्यादा खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पारुल, जो समस्याएं जो है लगातार जो है स्थानीय लोगों के सामने जो आती है, चाहे बर्फबारी हो या ना हो, क्योंकि जो स्थानीय पर्यटक जो निर्भर करता, पर्यटकों पर निर्भर करता है, चाहे ओली हो गया आपका, चाहे जोशीमठ हो गया, या आपका मसूरी की अगर बात करी जाए, उत्तरकाशी की अगर बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है मौसम खराब होता है, तुरंत जो है यहाँ पर बर्फबारी भी हो जाती है, तो स्थानीय लोगों को दिक्कत इसलिए हो पाती है क्योंकि जो सड़कें होती हैं वो अधिकतर बंद रहती हैं, क्योंकि बर्फबारी ज्यादा होने के कारण विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो स्थानीय लोगों की तो दिक्कतें हैं। हाँ, हालांकि पर्यटक जिस तरह से उत्तराखंड का रोक इस समय कर रहा है, इनके लिए प्रशासन, चाहे पर्यटन विभाग हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे जो होटल व्यवसायी से लेकर और जो अतिथि गृह, जो इनको होम स्टे टाइप का जो पूरे उत्तराखंड में बना दिया गया है लोगों ने, तो पर्यटक जो है जरूर जो है पर्यटक जो है बर्फबारी का आनंद लेता है। हालांकि स्थानीय लोगों को बर्फबारी से अधिक परेशानियों का सामना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल पुष्कर, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से आप स्थानीय लोगों की परेशानी भी बता रहे हैं और पर्यटकों की बात भी बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए जब बर्फबारी ज्यादा हो रही है तो तापमान में भी गिरावट ज्यादा देखी गई है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अलाव वगैरह की प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा कराई गई है अब तक? बिल्कुल बिल्कुल पारुल, प्रशासन मुस्तैद तो होता ही है, चाहे नगर निगम की अगर बात करी जाए या नगर पालिका की बात करी जाए या नगर पंचायतों की बात करी जाए। जनपद चमोली का मैं उदाहरण आपको दे दूं पारुल, जोशीमठ में सबसे अधिक ठंडा होता है, कड़ाके की सर्दी यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ का जो नगर निगम, यहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, चाहे कोई भी हो यहाँ पे, तो चाहे सबसे अधिक जिम्मेदारी जो है इस समय स्थानीय लोगों की, क्योंकि व्यापार जो है इस समय जो है पर्यटकों के उसमें चलता है, तो यहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था जो है नगर निगम भी करता है और आपका जो नगर पालिका भी करती है, नगर पंचायत भी करती है। हालांकि जो व्यापारी, छोटे व्यापारी होते हैं या जो बड़े व्यापारी होते हैं, वो अपने आप में अपने दुकानों के आगे जो है जोशीमठ से लेकर आपका गौचर से लेकर, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे आपका गोपेश्वर हो या चमोली हो या पीपलकोटी हो, यहाँ पर जो अलाव की व्यवस्था तो करता है। हालांकि प्रशासन और वन विभाग दोनों का कॉम्बिनेशन है कि इस तरह से कि जैसे जैसे ज्यादा बढ़ता है या सर्दी बढ़ती है या बर्फबारी होती है तो प्रशासन अलाव की व्यवस्था करता है। लेकिन हाँ, हालांकि रैन व्यवस्था, रैन बसेरों की अगर पारुल में बात करूँ तो रैन बसेरे अधिकतर जो है जनपद चमोली में है तो नहीं, लेकिन कुछ एक जगह, चाहे जोशीमठ का है रैन बसेरा और आपका जो है हेमकुंड साहिब का जो लगा हुआ इलाका है जो पांडु के सर है, यहाँ पर इसकी व्यवस्था भी, तो डीएम जो चमोली है उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया था और इनको अधिकतर भी निर्देश भी दिया था कि यदि कोई यात्री आता है, कोई पर्यटक आता है, इनको कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी। और अलाव की व्यवस्था को प्रशासन और स्थानीय व्यापारी भी यहाँ पे जनपद चमोली में लगातार जो अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ पे दुरुस्त किया गया है। जी चलिए ठीक है पुष्कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी देखी जा रही है, सफ़ेद चादर से ढके हुए पहाड़ हर जगह नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम में काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट आ गई है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस तरह से देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था भी लोगों के लिए की जा रही है। तो ऐसे में चारों तरफ सफेद चादर से ढके पहाड़ नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओली और गंगोत्री की, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद ही चादर नजर आ रही है। हालांकि पर्यटक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि अक्सर इस मौसम में लोग घूमने के लिए पहाड़ों पर पहुंचते हैं और इंतजार करते हैं कि कब दिसंबर के महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होगी और वो घूमने के लिए जाएंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी परत जम चुकी है, कहीं 2 से 3 इंच तक बर्फ जमी हुई है तो कहीं ज्यादा इससे जमी हुई है। इससे पहले भी आपको यहाँ बता दें कि बीच बीच में काफी बर्फबारी होती रहती है जिसकी वजह से ठंड में भी बढ़ोतरी हो जाती है। उत्तराखंड की अगर दूसरी जगहों की बात करी जाए तो इसी तरह की बर्फबारी वहां भी देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के साथ साथ केदारनाथ, ओली, गंगोत्री में भी काफी बर्फबारी हो चुकी है और इस बर्फबारी की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही ठंड अब बहुत ज्यादा उत्तराखंड में बढ़ चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।